तो दोस्तों आईपीएल में हर साल ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं जो कि डेब्यू करते हैं आईपीएल में, और दोस्तों उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा पैसा बरसाया जाता है आईपीएल खेलने के लिए। और दोस्तों इसी के कड़ी में आज मैं बताने वाला हूं ऐसे 10 खिलाड़ियों के नाम जो कि इस बार आईपीएल में डेब्यू करने वाले हैं। इन शॉर्ट ये अपना इस बार के आईपीएल में अपना पहला मुकाबला खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही डिटेल वीडियो है, हमेशा की तरह एंड तक देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने लिस्ट की शुरुआत करते हैं, और दोस्तों अगर 10वें नंबर पे बात करें जिस खिलाड़ी का नाम आता है जो कि आईपीएल में डेब्यू करने वाला है, दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है प्रियम गर्ग। दोस्तों प्रियम गर्ग इस बार अंडर 19 के कैप्टन भी चुने गए हैं, और दोस्तों इस बार का वो आईपीएल 2020 जो होने वाला है वो सनराइजर्स हैदराबाद के तरफ से खेलने वाले हैं। और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें 1.9 करोड़ में अपने टीम में शामिल किया है। दोस्तों प्रियम गर्ग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर स्टार साबित हो सकते हैं, आगे जाके काफ़ी ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, और दोस्तों जो इनकी शुरुआत है वो होना है दोस्तों आईपीएल से ही। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 9 पे। तो दोस्तों नंबर 9 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है जो आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाला है, उस खिलाड़ी का दोस्तों नाम है आरशाई किशोर। दोस्तों आरशाई किशोर इस बार का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, और दोस्तों सीएसके ने इन्हें बेस प्राइस में यानी 20 लाख में अपने टीम में शामिल किया है। और दोस्तों आरशाई किशोर तमिलनाडु के ही खिलाड़ी हैं यानी चेन्नई के ही खिलाड़ी हैं, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं जहाँ पर चेन्नई का होम ग्राउंड जो काफ़ी अच्छा है स्पिनर्स के लिए। और दोस्तों आरशाई किशोर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और दोस्तों एक बार आरशाई किशोर ने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो दोस्तों इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, टीम इंडिया के दरवाजे अगर खुल भी सकते हैं अगर हम बात कर लें आरशाई किशोर की। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं हम नंबर 8 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है दर्शन नालकंडे। दोस्तों दर्शन नालकंडे के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम बता दें दर्शन नालकंडे कौन है तो दोस्तों दर्शन नालकंडे अपना जो डोमेस्टिक सर्किट का जो पूरा मुकाबला रहता है दोस्तों ये विदर्भ की तरफ से खेलते हैं। और दोस्तों इस बार सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था, इन्होंने महज 6 मुकाबलों में 16 विकेट लेके दिखाए थे, और दोस्तों इन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 5 विकेट हॉल्स भी लिए थे। और दोस्तों इसके बाद लगातार ये कयाफी लगाई जा रही है कि ये काफी अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी जो स्पीड है वो लगभग 140 के ऊपर है, यानी दोस्तों ये काफी अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। और दोस्तों आईपीएल 2020 जो होने वाला है ये दर्शन नालकंडे खेलने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, यानी इन्हें पंजाब की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। और दोस्तों इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो इन्हें एक परमानेंट स्पॉट मिल सकता है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में। और दोस्तों इसीलिए मैंने 8वें नंबर पर जिस खिलाड़ी को रखा है टॉप डेब्यूटेंट्स में, उस खिलाड़ी का दोस्तों नाम है दर्शन नालकंडे। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हम नंबर 7 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस ग्रीन। दोस्तों क्रिस ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, दुनिया में दोस्तों जितने भी T20 लीग्स होती है जाके खेलते हैं और हर दफ़ा ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और दोस्तों इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों क्रिस ग्रीन के साथ इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर सस्पेंशन लग चुका है, क्योंकि इनकी जो एक्शन है वो लीगल नहीं मानी जा रही है। और दोस्तों इसीलिए क्रिस ग्रीन के ऊपर इस समय 3 महीने का फिलहाल में सस्पेंशन लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों आईपीएल शुरुआत होते होते इन्हें अपने टीम की यानी सस्पेंशन से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा, और दोस्तों जिसके वजह से ये आईपीएल पूरा सीजन खेल सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 7वें नंबर पे काफी अच्छा डेब्यू कर सकता है इस बार के आईपीएल दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस ग्रीन। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं हम नंबर 6 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है देवदत्त पाडिकल। दोस्तों देवदत्त पाडिकल पिछले साल भी आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, लेकिन दोस्तों इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था एक भी, और ये अभी भी अपना आईपीएल डेब्यू ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों इस बार ये 100% कन्फर्म है कि देवदत्त पाडिकल को मौका मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उभर के आया है। और दोस्तों इसीलिए इस बार का आईपीएल देवदत्त पाडिकल जरूर डेब्यू करने वाले हैं। और दोस्तों इसीलिए मैंने 6वें नंबर पर जिस खिलाड़ी को टॉप डेब्यूटर्स में, उस खिलाड़ी का दोस्तों नाम देवदत्त पाडिकल। तो दोस्तों अपने टॉप 5 की शुरुआत कर लेते हैं, और दोस्तों 5वें नंबर पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है जो कि डेब्यू करने वाला है आईपीएल 2020 में दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है कमलेश नागरकोटी। हाँ दोस्तों कमलेश नागरकोटी आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें आईपीएल 2018 के नीलामी में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद से ये चोटिल हो गए जो कि आईपीएल 2018 में नहीं खेल पाए। उसके बाद आईपीएल 2020 में भी ये लाए गए, लेकिन उसके पहले भी ये चोटिल हो गए जिसके लिए आईपीएल 2019 में भी नहीं खेल पाए। लेकिन दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें अपने टीम से रिलीज नहीं किया है, 3.2 करोड़ में इन्हें खरीदा था और अपने टीम में शामिल करके रखा है। और दोस्तों इस बार कमलेश नागरकोटी 100% कंफर्म है कि आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाले हैं। और दोस्तों इसलिए मैंने 5वें नंबर पे जिस खिलाड़ी को रखा है आईपीएल 2020 में डेब्यू करने के लिए,
उस खिलाड़ी का दोस्तों नाम है कमलेश नागर। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब चौथे नंबर खिलाड़ी के नाम की, तो दोस्तों चौथे खिलाड़ी का नाम है एलेक्स कैरी। हाँ दोस्तों एलेक्स कैरी इस बार के आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने टीम में शामिल किया है और दोस्तों एलेक्स कैरी भी इस बार आईपीएल में अपना डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। काफी अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं और दोस्तों इसलिए इस बार के आईपीएल 2020 में 100% कन्फर्म है कि एलेक्स कैरी डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब तीसरे खिलाड़ी के नाम की, तो दोस्तों तीसरे खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल। हाँ दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाले हैं। इन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने टीम में शामिल कर लिया और दोस्तों इसीलिए इस बार के आईपीएल 2020 में जो डेब्यू करने वाले हैं दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब दूसरे खिलाड़ी के नाम की जो कि आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाला है दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है टॉम बेंटन। दोस्तों टॉम बेंटन भी आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें 1 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है और दोस्तों इसीलिए आईपीएल 2020 में टॉम बेंटन भी अपना शुरुआत करने वाले हैं, यानी डेब्यू करने वाले हैं। और दोस्तों इसीलिए मैंने दूसरे नंबर पर जिस खिलाड़ी को रखा है जो कि आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाला है, उस खिलाड़ी का दोस्तों नाम है टॉम बेंटन। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली टॉप वन की, यानी पहले खिलाड़ी के नाम की जो कि आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाला है। तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है शेल्डन कॉटरेल। दोस्तों शेल्डन कॉटरेल भी आईपीएल 2020 में अपना डेब्यू मैच खेलने वाले हैं, यानी पहला मुकाबला खेलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने इन्हें 8.5 करोड़ में अपने टीम में शामिल किया है और दोस्तों इसीलिए आईपीएल 2020 में जो कि आज डेब्यू करने वाले हैं दोस्तों, जो कि काफी बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है शेल्डन कॉटरेल। और दोस्तों इसीलिए मैंने पहले नंबर पर जिस खिलाड़ी को रखा है टॉप डेब्यूटेंट्स में दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है शेल्डन कॉटरेल। तो दोस्तों ये थे सभी 10 खिलाड़ी जो कि आईपीएल 2020 में डेब्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर वो कौन सा खिलाड़ी है जो कि काफी ज्यादा नाम कमाने वाला है आईपीएल 2020 में दोस्तों, कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।